आप WhatsApp तो यूज करते हो? If yes, then ये स्कैम आपके साथ भी हो सकता है जो इस लड़की के साथ हुआ था, जिसने सिर्फ आपके नहीं आपके दोस्तों के अकाउंट में से भी पैसे चोरी हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक मिस कॉल की वजह से। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये स्कैम इतना स्मार्ट है और इतना डेंजरस है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज भारत में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम हो रहा है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है, लेकिन टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से यूज करने की समझ सबके पास। आज ये स्मार्टफोन सिर्फ एक फोन नहीं रहा, हमारा वॉलेट भी बन चुका है। चलिए जानते हैं कि इस वॉलेट से आजकल स्कैमर्स कैसे चोरी कर। आपको एक अननोन नंबर से कॉल आता है, दूसरे साइड से बंदा कहता है कि आपके नेटवर्क इश्यूज की वजह से कॉल किया है। नेटवर्क इश्यूज किसे नहीं होते, मुझे मेरे खुद के घर पे नेटवर्क नहीं आता। तो आपको *401* और आगे एक सीक्रेट नंबर डालकर एक मिस कॉल देने के लिए कहा जाता है। अब सिर्फ एक नंबर डायल करने से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर आपको व्हाट्सएप से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक नए डिवाइस से लॉग इन किया है, जिसके बाद आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो जाता है। होता यह है कि जब आप ये नंबर डायल कर रहे हैं तो कॉल फॉरवर्डिंग शुरू हो जाता है। 401 के बाद डायल किया हुआ नंबर उस स्कैमर का नंबर होता है, यानी आपको आने वाले सारे कॉल्स उसे फॉरवर्ड होंगे। इसी के थ्रू वो आपके व्हाट्सएप में लॉगिन करता है। व्हाट्सएप में लॉगिन कंफर्मेशन के लिए जो कॉल आपको आना चाहिए था वो उसे फॉरवर्ड होता है, और उसे आपके व्हाट्सएप का और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद वो स्कैमर आपके कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करता कि उसे यानी असल में आपको पैसों की जरूरत। अमाउंट छोटी होती है, लेकिन 100-200 लोगों को मैसेज जाते हैं। अब उस स्कैमर को कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग आपके करीबी हैं? वो आपके ग्रुप्स चेक करता है, और वो देखता है कि किन कॉन्टैक्ट्स के साथ आप ग्रुप्स में, और फिर उसी इंसान को टारगेट किया जाता है। कुछ लोग सतर्क होते हैं, ऐसे मैसेज पर 1,000 रुपए मांगने पर वो तुरंत आपको कॉल करते हैं, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं। ये सब इतना फास्ट होता है कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, आपको एक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। आजकल ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना इतना आसान हो गया है कि आपके माता पिता या दादा दादी इसमें फंस सकते हैं। ऐसे ही एक सिमिलर स्कैम फेसबुक पर बहुत सालों से चल रहा है, जहां आपके फ्रेंड लिस्ट में से सबको एक लिंक फॉरवर्ड होती है आपके मैसेंजर ऐप के थ्रू। आपका ये कोई रैंडम दोस्त आपको एक लिंक फॉरवर्ड करता है और कहता है आई फाउंड अ फोटो ऑफ यू, या फिर इज दिस यू इन द वीडियो, और इस लिंक पर क्लिक करने पर आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले गूगल पर जाइए और देखिए कि आपके कैरियर से कॉल फॉरवर्डिंग शुरू करने के लिए कौन से नंबर्स होते हैं। सेकंडली, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, एक स्ट्रेंजर पर विश्वास रखने से पहले, आपके घर वालों से बात कीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी इमीडिएटली शेयर मत कीजिए। आई नो ये सब कहना आसान है और सबको पता है, लेकिन फिर भी स्कैम्स होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्कैम में एक बात कॉमन होती है कि आपको डराया जाता है। कहते हैं कि डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या फिर सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए हम स्कैमर्स के झांसे में आ जाते हैं, सीधा सोच नहीं पाते। Have I Been Pwned एक वेबसाइट है जहां आप आपका ईमेल आईडी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि रिसेंटली किसी लीक में आपका ईमेल आईडी लीक हुआ था या नहीं। अगर आपका ईमेल आईडी यहां पर दिखता है देन डोंट वरी, आप जस्ट आपका पासवर्ड चेंज कीजिए। लास्टली, अगर आपके साथ स्कैम होता है या फिर स्कैम होने की कोशिश भी होती है तो उसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिकॉर्ड कीजिए। ऑफेंडर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि उनके अगेंस्ट एक्शन ली जा सके। यू नो व्हाट, बुरा लगता है जब भारत के लोग ऐसे स्कैम करते हैं। सिर्फ इंडियंस को ही नहीं, फॉरेनर्स को भी अपना शिकार बनाते हैं। टेक सपोर्ट बनकर बूढ़े लोगों को कॉल करते हैं और फिर उनका बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं। बुरा ऐसे लगता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरे भारत का नाम खराब होता है। हमारे फेवरेट क्रिएटर मार्क रोबर ने ऐसे ही स्कैमस्टर्स के बारे में एक वीडियो बनाया और वहां इंडियन चेहरे देखकर बुरा लगा, क्योंकि आई बिलीव जब किसी एक के साथ स्कैम होता है तो वो इंसान किसी दूसरे पर विश्वास करने से कतरा, टेक्नोलॉजी से ही डरने लगता है। And that's wrong. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे स्कैम्स एक्सपोज होना जरूरी है ताकि आपके दोस्त फैमिली मेंबर्स फ्यूचर में ऐसे स्कैम्स के शिकार ना बने, और आपको ऐसे ही साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट करने से मुझे फर्क पड़ता।